डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मल्टीमीडिया के संबंध के मल्टीमीडिया क्या है उसके बारे में जानकारी दिए थे और एग्जांपल्स क्या थे उस सब के बारे में आपको हम क्लियर किए थे। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पे ऊपर में क्लिक कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। बाकी अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के क्या महत्व है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आज के समाज में मल्टीमीडिया एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि अब समाज वह सब कुछ है जो समय के साथ चलता है। मल्टीमीडिया का इम्पोर्टेंस कई क्षेत्रों में मिल जाता है, जैसे बिजनेस हो गया, व्यवसाय, शिक्षा, एजुकेशन, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, घर, सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस आदि जगहों में देखा जा सकता है। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स की इम्पोर्टेंस रोल, मतलब मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स रोल क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करूँगा। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स कार्ड की इम्पोर्टेंस रोल होती है, क्योंकि इसमें हर प्रकार के मल्टीमीडिया की इंफॉर्मेशन होती है। कई मीडिया का उपयोग बाद में किया जाता है, जिसमें मल्टीमीडिया को ग्राफिक्स कार्ड को डिजिटल माध्यमों का उपयोग से सेव करने के बाद दिखाना बहुत आसान हो जाता है। मैं आपसे चर्चा करूँगा कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। जैसे मल्टीमीडिया का कितना कंपोनेंट्स है, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है। तो टेक्स्ट हम क्या समझेंगे, जैसे टेक्स्ट अक्षर मल्टीमीडिया का प्राथमिक कंपोनेंट है, जो सभी मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में कुछ मात्रा का रोल प्ले करता है, ठीक है। टेक्स्ट अधिकांश जानकारी आमतौर पर अलग अलग फॉन्ट साइज होती है। टेक्स्ट वो करेक्टर है जिसमें विभिन्न फॉन्ट, फोन कलर आदि का उपयोग कर पार्ट पर जोर दिया जा सकता है। जैसे ऑडियो के बारे में बात कर लें तो ऑडियो यानी कि साउंड वो फाइल है जिसमें कुछ शोर होता है। ऑडियो मल्टीमीडिया का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे आज के दौर में हम ईयरफोन से या साउंड बॉक्स से संगीत सुन सकते हैं। वीडियो तीसरा जो पॉइंट है, वीडियो माध्यम सूचना प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम है। जैसे मल्टीमीडिया के इस माध्यम में चलती फिरती इमेज कैप्चर करके लोगों तक दिखाया जा सकता है। सिनेमा घर में मूवीज़ देखने जाते हैं, वह एक वीडियो ही होता है। जैसे इमेज एंड ग्राफिक्स, एक इमेज या ग्राफिक्स के माध्यम से किसी चीज़ का गैर पाठ जानकारी का एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर किया जाता है, जैसे ड्राइंग, चार्ट या पिक्चर जेपीजी फाइल में, उसको पीएनजी फाइल, जैसे कि मतलब कोई आप ये बनाते हैं उसमें कोई लोगो ही बनाते हैं तो पीएनजी फाइल में लीजिएगा तो ये वाला साइड बैकग्राउंड हट जाएगा। अब चौथा पॉइंट के बारे में बात कर लें तो एनिमेशन चौथा पॉइंट है। तो एनिमेशन कंप्यूटर टेक्निक की वो माध्यम है जिसकी मदद से इमेज को चलती फिरती में दिखने के लिए, जैसे लगे कि नहीं, मतलब जैसे फिल्म चल रहा है 3D मोशन में या फिर 2D मोशन में ऐसे लगता है। तो चलिए बस यहीं तक आप लोगों को जानकारी दे पाए, और अगला वाला वीडियो मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे बनाऊंगा, मल्टीमीडिया का क्या फ़ायदा नुकसान है। तो तब तक के लिए बने रहिए और अभी के लिए बाय। बाकी अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं मल्टीमीडिया क्या है तो उसको भी देख लीजिए आप। तो चलिए जब तक के लिए बाय। और वीडियो अगर पसंद आया तो गाइस लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।